हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ खीरे वाला रायता। जैसे आपके घर में कोई आता है, वो रिलेटिव्स आते हैं, तो कई बार हमारे पास क्या है कि घी नहीं होती या कुछ और नहीं होता, बूंदी नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके घर में खीरा होता है और दही है, तो इससे आप क्या करोगे, खीरे वाला रायता बनाएंगे। तो देखिए मैंने क्या करा है, खीरे को पहले साफ करके वॉश करके, और इसे हमने खीरे को हमने पूरा कद्दूकस करके रख लिया है, और ये मैंने ले लिया है फ्रेश दही। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपका खीरे वाला रायता बनेगा। ये देखिए, इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना आपने दही को। तो देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ खीरे का जो कद्दूकस किया हुआ था वो मैंने डाल दिया इसमें, और जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं वो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्ची काट कर, और ये सारा मैंने डाल दिया खीरा, साथ में मैंने कर दिया इसे अच्छी तरह मिक्स। देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, तो इतना हमने काला नमक डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक, मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दी है देगी मिर्च। देखिए ये अभी से इतना डिलीशियस लगना शुरू हो चुका है, तो अब मैं आगे बताती हूँ इसमें क्या करना है आपने। देखो ये मैंने करके रख लिया पूरा इसमें। अब मैं इसमें राई का तड़का लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है आपने। देखिए अब क्या करना है आपने, गैस पर एक कड़छी ले लेनी है, उसमें आपने डाल देना है रिफाइंड थोड़ा सा, एक चम्मच। इसमें मैं डाल दूंगी अब आगे छोटा चम्मच राई दाना, और इसे अच्छी तरह भून लेना हमने। ये देखिए जब ये थोड़ा सा तिड़कने लग जाए इसे हमने निकाल लेंगे। क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसमें देगी मिर्च डाल रही है, थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। मैंने क्या किया है, सीधा दही में डाल दिया, देखिए ऐसे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है आपका जो बन के आया दही का खीरे वाला रायता। तो देखिए ये आपका तैयार हो चुका है खीरे वाला रायता, और मुझे आप बनाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। इसमें राई डालने से जो दही का टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।